तो दूसरी सीरी हम बात करने वाले अदानी विल्मार लिमिटेड कंपनी के बारे में, और अदानी विल्मार के अंदर आज आपको यहाँ पर 10% का अपर सर्किट और अच्छी खासी क्लोजिंग भी देखने को मिली है। हमने दोस्तों मॉर्निंग में एक चीज डिस्कस की थी कि अगर अदानी विल्मार हमें 480 के ऊपर अगर क्लोज होता हुआ देखने को मिला तो ये टेक्निकली एक होगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और उसके बाद जो है वो आपको एक जबरदस्त कंटिन्यूएशन ऑन द अपसाइड का देखने को मिलेगा। क्यों मैंने ऐसा कहा था, हम यहाँ पर आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये छोटा मोटा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन का ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। इसका जो मेन ब्रेकआउट है वो हमें देखने को मिलेगा 500 के ऊपर। हमने 480 के ऊपर ट्रिगर क्यों लगाया था, क्योंकि अगर 480 के ऊपर अपर सर्किट लगती है तो 500 आपको तो नेक्स्ट डे टेस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर 500 के ऊपर ये काउंटर निकल गया तो 600 के बाद, मैं वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स बता रहा हूँ, 700 के बाद आपको 800 तक का भी टारगेट ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। वेरस ऑन द डाउनसाइड अगर 400 यहाँ पर ब्रेक होता तो दिक्कत आती 300 तक का फॉल, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। टेक्निकली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक बेस फॉर्मेशन, और अगर इस बेस का ब्रेकआउट आ गया 500 के ऊपर तो डेफिनेटली बड़ा मूव आपको ऑन द अपसाइड का देखने को मिल जाएगा।